और महात्मा गांधी। फिर वही रात है। डालते हैं कुछ ऐसी ही यादगार जीवनियों पर नजर, देखिए यादों का सफर सिर्फ जन टीवी पर। ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी 5 राज्यों को लेकर, जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जिस तरीके से सियासत अब बिछ रही है। कहीं कहीं सबसे ज्यादा फोकस अगर कहीं है तो वो है सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुनबे के अंदर जो घमासान हुआ, उसके बाद दोनों ही पिता और पुत्र की धुरियों पर यह पार्टी आ गई और इसका फायदा उठाने के लिए चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे बसपा हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हो, सभी वोटों की बंदरबांट करने के लिए वोटों की राजनीति करते हुए नजर आए। तो वहीं अब उसको लेकर स्थिति जो है, फिलहाल जो बादल छाए हुए थे वो हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है फैसला सुना दिया है और पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम जो है अखिलेश के खाते में चला गया है। तो मुलायम सिंह को यहां पर एक करारा झटका लगा अंदर खाने की। और विशेषज्ञों की अगर बात करें तो कई तरीके की बातें वहां पर भी आ रही कि ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल ड्रामा समाजवादी पार्टी में हुआ है वो अंदर की सफाई करने के साथ साथ पुनः सत्ता पर काबिज होने के लिए था। तो महागठबंधन की वहां पर बात की जा रही है। रामगोपाल यादव जो है वो लगातार थिंक टैंक की तरह अखिलेश को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश को हर कड़ी दर कड़ी जानकारियां पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इन सारी चीजों को लेकर अब स्थिति किस तरीके की होगी, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन जो है वो किस तरीके से शेप लेगा और क्या दो दो जो बड़ी पार्टियां हैं क्या उनके अंदर सीएम उम्मीदवार को लेकर किस तरीके की स्थिति होगी। एक तरफ बात यह भी सामने आ रही कि शीला दीक्षित ने अपना जो नाम है वो वापस ले लिया और गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा है कि हम अखिलेश के नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए उनको सुनते हैं। गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं रिजल्ट का, और हम भी इंतजार कर रहे थे कि वो फ्री हो जाए इससे। अब उससे फ्री हो गए, जो टेंशन था वो फ्री हो गया और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे कोई न कोई निर्णय लेकर हम आपको फाइनल इस बारे में निर्णय बताएंगे। लेकिन अभी यह है कि अलायंस होगा और अलायंस होगा सरकार बनाने के लिए। ये खाली अलायंस नंबर बढ़ाने के लिए नहीं होगा, सत्ता में आने के लिए नंबर होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली तो अलायंस की बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा है कि सरकार बनाने के लिए अलायंस होगा। सीधे तौर पर अगर हम राजनीति की सियासत को समझें तो बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। बिहार में जिस तरीके की स्थितियां थी, बीजेपी एक वेव के साथ आने की बात जो है वो सर्वे जो है वो लगातार कह रहे थे, लेकिन पलटा वहां का सारा स्थिति को वो पलटा गठबंधन ने। गठबंधन में जब राजद, बिहार की जदयू और कांग्रेस ने जब महागठबंधन बनाया
तो बीजेपी की जो स्थिति थी वो एकदम उलट हो गई। तो क्या महागठबंधन का कॉन्सेप्ट यूपी में चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारा मुद्दा भी आज का यही है और हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, पांचों राज्यों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नोटबंदी के बाद की स्थिति क्या कुछ वहां पर होगी। चलिए हमारे साथ हमारा पैनल जो है वो जुड़ गया है। हमारे साथ मुकेश सिलावट साहब हैं बीजेपी से, अर्चना शर्मा जी कांग्रेस से हैं, विनोद यादव जी सपा से हैं और बसपा से विष्णु कुलवाल साहब हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात अर्चना जी आपसे करना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ा मामला है और यूपी में सत्ता में आने की बराबर कोशिशें कांग्रेस की जो है वो धूमिल होती हुई नजर आई है। शीला दीक्षित को कमान सौंपी लेकिन अब अगर गठबंधन हो जाता है तो अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्या इतना आसान होगा? अर्चना जी नहीं है, अर्चना जी हमारे साथ नहीं, बीजेपी के मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुकेश जी लगातार वनवास देख रही है बीजेपी, यूपी को अगर देखें तो यूपी में 14 साल से ज्यादा हो गए हैं, वनवास की स्थिति है। क्या लगता है नोटबंदी सर्जिकल स्ट्राइक क्या आपको सत्ता दिला पाएगी? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता जो पिछले 15-20 दिन से जो अखिलेश और मुलायम सिंह के यादव के जो नाटक हो रहे थे जी, उस नाटक से भलीभांति परिचित हो चुकी है। और आज आपको ये बताऊंगा मैं कि मुलायम सिंह जी की ही ये प्लानिंग थी अखिलेश को एक छत्र नेता पार्टी के अंदर स्थापित करने के लिए, उन्होंने ये प्लानिंग रची थी। और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामा तक नहीं दिया, जिससे साफ प्रमाणित होता है कि इनका एक राजनीति सोची समझी राजनीति थी है और एक नाटक था। तो अखिलेश और मुलायम सिंह जी का जो ड्रामा है, इस ड्रामा को उत्तर प्रदेश की जनता भलीभांति पहचान चुकी है और निश्चित रूप से वो इस ड्रामे के विरोध में भारी मतदान करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं नोट बदली की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, नोट बदली की वजह से मोदी जी के नेतृत्व में जनता की वो रास्ता बढ़ी है और मोदी जी को वो एक देश का सक्षम नेता मानती है और मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी की नीतियों में दोनों में उत्तर प्रदेश की जनता अपना विश्वास व्यक्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। चलिए तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाई। कुलवाल साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं। कुलवाल साहब क्या लगता है, जो चुनाव पूर्व के सर्वे जो आ रहे थे कहीं न कहीं बसपा को बड़ी जीत दिखा रहे थे लेकिन सियासी समीकरण जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस में चले जाना और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके का घमासान हुआ है उससे क्या फायदा कुछ बसपा को हो पाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनका गठबंधन यूपी में करीबन जयंत चौधरी भी इनके साथ आने वाले हैं, इन तीनों का गठबंधन हो गया है। और जहां सवाज है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को तोड़ने में जितना समय भारतीय जनता पार्टी ने इस काम में लगाया वो हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता को पता है कि अमर सिंह जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव मैदान में है ही नहीं, वो तो एक रैली के रूप में लोगों को दिखा रहे हैं कि आज हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 403 उम्मीदवार तो है नहीं, वो तो ये इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी कितने टूट के आते हैं, बहुजन समाज कितनी टूट के आती है और अन्य दल कितना टूट के आ रहा है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्थिति ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सीट डिक्लेयर की है उससे यह प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी एकता है। और अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी, तो हमने देश के प्रधानमंत्री जी तो बनाए हैं, उसके लिए तो मना ही नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री जी नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पे जो इस समय लोकसभा के मेंबर है उससे इनकी कम सीटें आएगी और वहां की जनता ने फैसला कर लिया है कि न गुंडा राज चाहिए और न दंगा राज चाहिए, और राज चाहिए तो बहन मायावती का राज चाहिए। और वहां की जनता का ये जो निर्णय है, ये 265 से 300 सीटें
बहुजन समाज पार्टी जीत के और बहुजन पार्टी की सरकार बनेगी। वक्त बताएगा, आज से पूर्व भी मीडिया हमको नंबर 3 पर दिखाता था तब भी हमारी मुख्यमंत्री बहन मायावती बनती थी, आज ये स्थिति फिर आप दिखा दे कि 3 नंबर पर बसपा है। बसपा जनता के मन में है और जनता ने निश्चय कर लिया है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, हमारे न्यूज एडिटर योगेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र जी, जिस तरीके की फिलहाल स्थितियां हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं, और क्या लगता है नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक है, जो सबसे बड़े इश्यू है बीजेपी के लिए वो ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है मोदी सरकार का कि नोटबंदी और उसके बाद में 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है देश की राजनीति की एक बड़ी हवा को तय करेगा कि वास्तव में नोटबंदी का इम्पैक्ट कितना। अभी बीजेपी का दावा है कि नोटबंदी के चलते देश पूरा खड़ा हुआ है और प्रतिपक्ष का लगातार आरोप है कि नोटबंदी की वजह से आमजन परेशान है। तो ये देखना होगा कि कितना इसका इम्पैक्ट आता है। खासकर कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और 5 राज्यों के जहां विधानसभा चुनाव अगर उनकी बात करें तो बड़े रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। तो उत्तराखंड में हरीश रावत के लिए एनडीए का गठबंधन जो पंजाब में है वहां बादल के साथ में वापसी हैट्रिक बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। गोवा में बीजेपी की वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मणिपुर में कांग्रेस अपना दमन बचा पाती है कि नहीं, ये तमाम वो चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने जो नोटबंदी के बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल या कहें कि उनके लिए ये चुनौतीपूर्ण कदम की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस वक्त जो अधिसूचना जारी की गई है पहले चरण की वो गोवा और पंजाब दोनों के लिए ही है, दोनों उनके लिए बड़ी एक चुनौती है। कुछ इस तरह की बातें भी निकल करके आ रही हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि जातिवाद, भाषा, नस्ल, धर्म, इनके आधार पे अगर राजनीतिक दल अपने कैंपेन को करते हैं या फिर लगता है कि इन चीजों को लेकर के आधार बना रहे हैं चुनावी राजनीति का तो उसके लिए इसे करप्शन का एक हिस्सा माना उसमें, तो जो करप्शन अगर करता है तो उसका खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना होगा, ये साफ कहा गया है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो टिकट जो डिसाइड किए जा रहे हैं उसमें पूरी तरह से चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जाति को आधार बना करके ही टिकट तय कर रहे हैं। और दूसरी ओर उनका दावा भी यही है कि जब समाज ही जाति से बना हुआ है तो टिकट तो किसी न किसी व्यक्ति को तो देंगे ही। अगर एक ब्राह्मण, एक बनिया है, एक राजपूत है, एक एससी, एक एसटी है, एक ओबीसी से है तो किसी एक को तो आपको तय करना ही होगा। ये राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार तर्क आ रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और विष्णु कुरवाल साहब, अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी जिस तरह का खेल खेल रही थी और कांग्रेस और अजीत सिंह के साथ में गठबंधन कर सकती है समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश, अब समाजवादी पार्टी के रूप में अखिलेश यादव को जाना जाना चाहिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिंबल उन्हीं की गोद में है और अब उन्हीं के सामने बड़ी चुनौती है कि वो पहली बार यानी कि पिछली बार मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वो अच्छी मेजोरिटी के साथ में जीते और मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को सत्ता के सिंहासन पर बैठाए। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक विरासत को अखिलेश बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। विनोद यादव हमारे साथ में है, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कुलवाल साहब कि आप ये बात कह रहे हैं कि अमर सिंह के जरिए समाजवादी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि एक बड़ा आरोप आपने लगाया है, यह आरोप महज एक आरोप है कि वास्तव में को प्रमाणित आरोप कहा जा सकता है इसे? नहीं योगेंद्र जी, आप लगातार देख लीजिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी टूटी उसके 2 दिन बाद तो उनको उनको सिक्योरिटी दे दी गई अमर सिंह जी को। आज अगर ये स्थिति, अमर सिंह जी ने क्या सिक्योरिटी मांगी थी क्या? तो उनको सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वहां की जनता सपा से इतनी पीड़ित थी कि आज मुलायम सिंह जी को यह कहना पड़ा कि विकास विकास जो भारतीय जनता पार्टी जिस विकास को लेकर चल रही थी उस विकास को लेकर अखिलेश जी भी आ गए। इनके पास विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है, इनके पास तो विनाश नाम की चीज है। और ये लगातार इस बात को गुमराह कर रहे हैं कि
आज इनकी पार्टी, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, समाजवाद पार्टी, कांग्रेस और अजीत सिंह जी, इन तीनों का कोलिबेशन करके चुनाव होगा यहां का। उसके बाद भी क्या होगा, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की वह सरकार नहीं बन सकती, सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। ये तो अपना अपना दावा है कुलवाल साहब, ये कोई भी कह सकता है कि सरकार हमारी बनेगी जब रिजल्ट आएंगे, जब देख लीजिएगा ना। हाँ, रिजल्ट आएंगे जब दिखा देंगे आपको। ये बात सही है कि जब 11 मार्च को चुनाव